उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने वाले गंगा पुष्करालु कुंभ का वाराणसी में दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं की मौजूदगी में श्री गणेश हुआ, जहां पुष्करालु कार्यक्रम 12 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर वाराणसी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से आए श्रद्धालुओं के लिए राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सामूहिक रूप से गंगा की आरती उतारकर देश की सुख समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की। अक्षय तृतीया के पवित्र त्यौहार के मद्देनजर गंगा निर्मलीकरण के अक्षय संकल्प के आह्वान के साथ श्रद्धालु ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक भी किया, जहां गंगा पुष्करालु के लिए काशी आए दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों ने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से विश्व कल्याण की प्रार्थना की। देव गुरु बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश हुआ है और यह एक वर्ष पर्यंत इनका गोचर मेष राशि में रहेगा, और जब जब मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होता है उस समय गंगा पुष्कर का आयोजन होता है। यह आयोजन 12 दिवसीय होता है। यह पूरा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक अपने प्रांतों के संस्कृति के हिसाब से लोग मनाने का एक क्रम रहा है।